ये सूट सिलेक्ट करने में ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। पता नहीं कहाँ गए इसके कपड़े। है नहीं कपड़े है नहीं लड्डू की तरह इसके पास भी नहीं है कपड़े। कोई चीज सड़ गई यहाँ पे। पापा स्विच से आ रही है, स्विच से इधर देखो। ओ नहीं मम्मी नहीं देना। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंजलि की अभी शादी क्यों नहीं कर रहे, तो अभी ना दहेज का अरेंजमेंट नहीं। ओ मम्मी बस करो बस करो, दहेज हमने देना ही नहीं। इधर इधर इधर। हैप्पी बर्थडे। कि हमारा तंदूर भी हो चुका है रेडी और खाना बनाने वाले हैं मम्मी यहाँ पे फुलके। सेक बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल बनी। अच्छा जी, तो अभी ना हम घर से निकले थे और लड्डू ने इधर टर्न करवा ली है गाड़ी टॉय शॉप पे। टॉय लेना है लड्डू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है आप सभी का, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 9:15 का और मैं तो उठा हुआ हूँ 8 बजे से, क्योंकि घर पे कोई आ गया था इस वजह से थोड़ा जल्दी उठ गया आज। बाकी मम्मी भी उठ चुके हैं आज जल्दी। मम्मी और पापा पी रहे हैं यहाँ पे चाय। कैसे मम्मी, खुल गई नींद जी? लाइट ऑन कर। क्या क्या हो गया? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा। ज्योति को दिखना बंद हो गया। देख ज्योति। तो भी मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ मम्मी। एक तो टिंडे लेके आने हैं, और क्या लेके आने हैं जी? मटर, मटर टिंडे और मटर टिंडे, आलू प्याज। आलू प्याज तो आज हमने अपनी पुरानी गाड़ी सेल कर दी है, कल हम नई गाड़ी लेके आएंगे। तो कल आप सभी के लिए एक सरप्राइज है बहुत ही अच्छे वाला। कल आपको नई गाड़ी देखने वाली है। ले रहे हैं जो बुक करवा रही थी, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। हाँ, बड़ी गाड़ी में थोड़ा टाइम है, ये भी ये छोटी ले रहे हैं अभी। तो अभी दोस्तों 11:15 हो चुके हैं और तंदूर अभी हमने नहीं चलाया, क्योंकि उसकी लकड़ वगैरह तो लेके आ चुका हूँ मैं। तो वो ना पहली बार तो ना 4-5 घंटे चला के रखना पड़ेगा, है ना मम्मी? 4-5 घंटे चलाना पड़ेगा ना पहले। ठीक है जी। और मम्मी भी हो चुके हैं आज नहा के, थोड़ा जल्दी रेडी, और नाश्ता हमारा हो रहा है रेडी यहाँ पे। नाश्ते में आज क्या बना है अंजलि? अंजलि ये बंद कर ले यार। आलू की सब्जी पड़ी थी। क्या? आलू की ना एक कटोरी सब्जी पड़ी थी। अच्छा जी। आटे में डाल के वो बूंदी साथ में बना दिए ठंडे। अच्छा, आज मैंने कर दी थी। नाश्ते की तैयारी आपने की है? हाँ। चलो बढ़िया है जी। इनाम मिलना चाहिए ना। रात को तंदूर की रोटी बनाएंगे मम्मी। अच्छा, ये आटे में गूंदी। ठीक है। क्या लस्सी? लस्सी परांठे नहीं खाने आपने? चलो बना देता हूँ। अंजलि दही है? ठीक है मैं बना। तो लस्सी यहाँ पे हो चुकी है रेडी, मम्मी सभी के लिए बना ली लस्सी। ठीक है जी, पी के देखो आप। नमक ठीक है, फिक्की फिक्की रखी है, ज़्यादा नमक तो। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 2 बजे का और मम्मी ना 1 घंटे के लिए सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे। मम्मी अब कैसे, खुल गई नींद जी? सुबह जल्दी उठ जाए ना तो दोपहर को तो थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे हो रहा है खाना हमारा रेडी। खाने में आज क्या बना था अंजलि? टिंडे की सब्जी, और साथ में यहाँ पे बन रही है चटनी। चटनी पुदीना घर पे ही है। अच्छा, ओहो चटनी चट रही है, मिर्च चट रही है, हरी मिर्च। चटनी में हरी मिर्च लगता है ज़्यादा डाल दी मम्मी, हरी मिर्च चट रही है। अच्छा, चटनी की वेट कर रहे हो आप? बस बन रही है। तो अभी 4 बज चुके हैं और स्टोरी पे हम लग चुके हैं। मम्मी कौन सी स्टोरी बना रहे हैं? भाभी की लड़ाई हो रही है। ये अंजलि और ज्योति की ना लड़ाई चल रही है यहाँ पे फुल लम फुल। ये सूट सिलेक्ट करने में ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। पता नहीं कहाँ गए इसके कपड़े। है नहीं कपड़े है नहीं लड्डू की तरह इसके पास भी नहीं है कपड़े। अभी 5 बज चुके हैं शाम के, और अभी हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई है। बहुत ही ज्यादा मजेदार स्टोरी बनाई है आज हमने, लड़ाई वाली स्टोरी बनाई है। और यहाँ पे ना लड्डू बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है। लड्डू के क्या बात है लड्डू, क्या हो गया मारा?
किसने मारा? देख लो मम्मी अब शिकायत शिकायतें लगा रहा है कि मुझे मारा। कोई चीज सड़ गई यहाँ पे। पापा स्विच से आ रही है, स्विच से इधर देखो, सारी स्विच आ रही है। हाँ हाँ कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं। धुआं देखो धुआं, ये इसी बोर्ड से निकल रहा है। मीटर बंद करो जल्दी, एमसीबी घेर देना अंजलि जो पहले वीडियो में घेरी है। कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं, स्विच से धुआं ही धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया अचानक। स्विच से निकल रहा है ज्यादा धुआं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, ये पंखे की वजह से हुआ है यार। ओहो एकदम इतना चढ़ गया, गला पकड़। पापा चप्पल चप्पल जी, ओ देखो तार निकली जी, ब्रेक जाएगी। कौन सी? हाँ ये चिपक गई जी, ये तो अंदर से है पापा। कोई अंदर तो फिर मैं छेड़े भी नहीं कुछ, अंदर की छेड़े मैंने फिर नहीं पता। ये स्विच पापा, रेगुलेटर देखो देखो, रेगुलेटर देखो जी, ये रेगुलेटर देखो आप, फुक गया ना रेगुलेटर, फुक गया जी पीछे पंखे का, ज्योति पीछे रहे। पापा ने ना बहुत टाइम, पापा कितने साल हो गए जी? 36 साल। 36 साल हो गए पापा को इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में। लेकिन मम्मी ना कई बार, मम्मी कई बार ताने मार देते हैं पापा को। है ना मम्मी? ताना मारे और सबकी चाय यहाँ पर रेडी है, पर सभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सबको बुला के लाना पड़ेगा। भाभी आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ लड्डू पेड़े, तू भी आ जा बाहर। चाय बन गई, चाय बन गई, चाय चाय बन गई, आ जा बाहर चाय पी लो। तो अभी मम्मी आ गए किचन में, भाभी ने सब्जी के लिए तैयारी कर दी थी, आलू मटर की सब्जी, और मम्मी बनाने लगे आज स्पेशल से आलू मटर की सब्जी, क्योंकि मेरे हाथ की सब्जी बहुत दिन से खाली कर में बोर हो गए। पर आज तो सुबह भी मम्मी ने बनाई थी भिंडे, बहुत टेस्टी बनाए थे, और अभी भी मम्मी ने स्पेशल की सब्जी बनाने वाली है, आलू है ना मम्मी, आलू मटर टेस्टी से। और मम्मी केक कर दिया ऑर्डर? हाँ कर दिया कर दिया। कब तक आ जाएगा? केक भी ऑर्डर कर दिया है पापा के बर्थडे का, केक कब तक आ जाएगा? केक कब तक आ जाएगा? केक आएगा जी 9 बजे। 9 बजे आएगा? हाँ चलो ठीक है। और यहाँ पे लड्डू पापा के पास बैठा था, कार्टून देख रहा है। मुझे ना दोस्तों थोड़ा सा बाहर काम जाना पड़ रहा है, और आते हुए मैं बियर्ड और कटिंग वगैरह भी करवा के आऊंगा। और यहाँ पे बन रही है सब्जी, क्या बन रहा है मम्मी? आलू मटर, आलू मटर की सब्जी बना रहे हैं, और मम्मी सोच रहे हैं कि तंदूर चला लें, तंदूर में लगा लें फुलके। हाँ, है ना, रोटी में बना के रखूंगी, केक ले आना, और केक, हाँ केक 9 बजे आएगा जी, पापा का बर्थडे आज तो केक आएगा 9 बजे। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, क्योंकि कल है गाड़ी की डिलीवरी। ठीक है, तो अभी हम ना बाहर थे, तंदूर बाल रहे थे, पापा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था प्रोसीजर। इसको भी टाइम लगेगा काफ़ी देर, इसको ना ऐसे मतलब जला के छोड़ना पड़ेगा, है ना पापा? उसके बाद फिर काफी टाइम चलाना पड़ता है। हाँ उसके बाद फिर रोटी बना पाएंगे ना, कम से कम 2 घंटे लगेगा ये लगातार। अच्छा ऐसी कितनी लकड़ लगेगी इसके लिए, बस अभी शुरू हो गया प्रोसीजर आज तो, तंदूर की रोटी ना। हाँ जी पूरा जला दिया अंदर से ना, अभी 2 घंटे लग जाएंगे पहली बार तो आराम से। बस ठीक है। और अभी अभी ना पापा के बर्थडे का केक भी आ चुका है, हम बाहर ही खड़े थे कि केक आ गया घर पे, तो बहुत ही ज्यादा ना अच्छा डिजाइन है, लेकिन अभी हम इसको ओपन बाद में करेंगे जब कट करेंगे, है ना पापा? तो इसको भी फ्रिज में रख देते हैं, पर ऊपर वाले फ्रिज में रख के आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रखा तो लड्डू ने देख लिया, वो कहेगा कि मुझे अभी दे दो केक, देना उसको है नहीं है। तो पहले मैं ये ना केक ऊपर रख के आती हूँ। लड्डू बाहर आ गया है पापा के पास ना, यहाँ पे आके खड़ रहा है, देख रहा है कि तंदूर जला रहे हैं। लड्डू क्या है? कुछ भी नहीं यहाँ पे, इसमें आग दिख रही है तंदूर। अच्छा रिफ्लेक्ट हो गया, अरे वाह, इसको बोलते हैं भी ये आग दिखाई दे रही है। हाँ यहाँ से दिख रही है, ये दिख रही है पापा। अभी देखो आके इधर,
यहाँ पे खड़े होके देखो, वो सामने दिखेगी। हाँ, दिख रही है। शीशे जैसा घर है हमारा। हमारी टाइल्स ना शीशे का काम भी करती हैं क्योंकि इसमें हर चीज ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ना। तो लड्डू भी देख रहा था कि इसमें दिख रही है आग। बॉक्सिंग करनी है? हाँ करो बॉक्सिंग। मारता बहुत जोर से लड्डू। नो पापा को नहीं मारना, फिर देखेगा वहां से जाके आग। मम्मी यहाँ पे आ गए हैं वापस। थोड़ी देर से ना मम्मी वहाँ पे बैठे थे अपनी सहेलियों के पास बातें करने। हैं मम्मी समझ जा क्या बोल रही। मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, कितना दहेज लोगे तुम। नहीं मम्मी दहेज देना पाप है, दहेज लेना भी पाप है। देना पड़ेगा बेटा, लोगों को तो शिक्षा देते हैं। दहेज हमने देना ही नहीं, दहेज हमने देना ही नहीं है मम्मी। बिना दहेज के मंगली के लड़के जो भी शादी करना चाहते हैं या अंजलि के हिसाब से सेट है, अंजलि की स्टोरी में काम करना चाहते हैं। मम्मी बस 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 इसे बताओ भी कितना टाइम और लगेगा तंदूर को। मैसेज करें, कमेंट करें। मम्मी जी तंदूर को कितना टाइम लगेगा और? एक घंटा और लगेगा। एक घंटा लगेगा अभी और? भैया को भी कॉल करके हमने पूछा है, कह रहे हैं कि बस घर पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा लड्डू ने तो केक भी खोल दिया चलेगी। और यहाँ पे ना इसको हम थोड़ा सा टाल रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाए बस, जितनी देर में भैया घर आते हैं कैंडल्स लगा के दे रहे हैं। कैंडल्स लगा लो, फूक मार, टाल ली। चलो दोबारा दोबारा फूक कर दो, लगाएंगे फिर इस पे। हुँ, हुँ, हुँ। करो ज्योति इधर ना ले आना, रुक जा पहले लगान दो सारियां लगा। चल लगा ले, तू लगा ले इतने खराब तो कर देगा मम्मी ये केक इतनी देर में है ना। चलो सारी कैंडल्स लगा दो, वेरी गुड। लगा दो सारी। कितनी रह गई लड्डू? ठीक है, सो गया थी, बिल्कुल सो गया थी, केक देख के नींद खुल गई। तो मैं अभी आया हूँ घर वापस, 9:10 हो गए हैं और लड्डू ना मेरे आने से पहले ही केक खोल के बैठा है। लड्डू तो देखो क्या कर रखा है इसने। इसने पापा का पी और एक खा लिया पंखा। चलो जी इतनी जल्दी करने लग गया था, रोने लग गया था। रुक जा रुक जा रुक जा। ओ बस अच्छा है आशु, बस बहुत है। हैप्पी बर्थडे पापा जी। वैसे भी ना इसका नुकसान है, ये मोम गिर रही है इसमें। हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। चलो पापा को केक खिलाओ। चलो पापा को खिलाओ लड्डू। ओए दे इधर चम्मच ले आना अंजलि। लो जी लड्डू ने भी खिला दिया। हैप्पी बर्थडे पापा जी। लड्डू रह गया टेको। सभी का बर्थडे ना लड्डू लड्डू ही केक काटता है। चलो हैप्पी बर्थडे लड्डू। हमारा तंदूर भी हो चुका है रेडी और खाना बनाने वाले हैं मम्मी यहाँ पे फुलके। सेक बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल बनी। अच्छा जी पहली बार में से काफी ओवर हो गया। कुछ है भी गर्मी मम्मी इसलिए ज्यादा लग रहा होगा। नहीं नहीं ऊपर ऊपर लगा लूंगी ना बस थोड़े से। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना सेक काफी ओवर है इसका। बन तो रही है रोटी। हाँ बन तो रही है जी। एक थोड़ी सी जलेगी। चलेगी चलेगी। बस मम्मी गैस के ऊपर नहीं सेक के खानी चाहिए रोटी है ना। हाँ। आग पे तो ठीक है। और ओ गई रोटी अंदर। कोई बात नहीं ऐसे जाएगी अंदर।
हाँ सही बन गई ये भी। तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद रोटी सारी हो चुकी है रेडी हमारी। देखना मम्मी देखना मम्मी की डिस्क पेन ना शुरू हो जाए इसके बाद। मम्मी ध्यान रखो जी, बाजू लाल होगी। खाना खाने के बाद ना मम्मी ने इसमें लगा दिए थे राजमा, बॉईल हो रहे हैं। वाह जी वाह, कैसे मम्मी ये तो अभी होने तैयार भी हो जाएंगे अभी तो ये थोड़ी देर में। सुबह उठ के तड़का लगा दिया इसे। बस ठीक है जी। इसने पापा गाड़ी की चाबी फेंक दी बाहर। चलो तो अभी ना हम घर से निकले थे और लड्डू ने इधर टर्न करवा ली है गाड़ी टॉय शॉप पे। टॉय लेना है लड्डू? ये भी अब को हम तंग कर लेते हैं, फोन कर देते हैं और ये गेट खोल देते हैं कि आज आ जाओ जी। ना कमेंट आ रहे थे कि ये शॉप कहाँ। हाँ भैया शॉप का एड्रेस बता दो आप प्लीज। हाँ कार्ड दे दो अपना। बहुत सारे कमेंट आए थे। ये ना हमारे घर के पास ही है टॉय शॉप, तो ये इनका होलसेल का काम है, तो ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है अगर किसी को भी चाहिए टॉयज। तो अभी ना हम घर आ चुके थे वापस मार्केट से, और घर आने के बाद मैं नहा लिया था क्योंकि मैं कटिंग वगैरह करवा के आया था ना, तो उसके बाद हमने एक स्टोरी भी कंप्लीट कर ली है। तो अभी टाइम हो चुका है 12:45 का और यहाँ पे लड्डू पापा के साथ ना पूरा मस्त था, पापा के साथ ही खेल रहा था लड्डू। लड्डू ये क्या बाबू पाउडर, फिर से पाउडर? मम्मी ये सारा दिन में ना 5 पाउडर ख़त्म कर देता है, ये बाहर से लेके आता है 5 पाउडर खत्म कर देता है बेड के ऊपर ही। पाउडर किसने किया है लड्डू? नहीं इसने, इसने, इसने। किसने किया है? नहीं किया मम्मी पापा के पास भेज देता है। हाँ तो अभी रात का दोस्तों 1:30 बज चुका है और यहाँ पे ना एक स्टोरी पे डिस्कस चल रही है, बहुत बड़ी वाली स्टोरी है। सो आज का व्लॉग दोस्तों हम यही पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।